एस्गार्डियंस की, और सही मायने में कहे तो एस्गार्डियन वॉरियर्स की। और ये लोग कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, बल्कि ये मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वॉरियर्स और सॉर्चरर्स में से एक है, जिन्हें हराने के लिए अगर सबसे इलाइट फोर्स भी सामने आए तो भी इन्हें हराना मुश्किल है। हालांकि ऐसा लगता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन वॉरियर्स का वो वर्जन हमें नहीं दिखा जो हमें दिखना चाहिए, पर इस वीडियो में मैं इन सारे एस्गार्डियन वॉरियर्स की जबरदस्त क्वालिटीज डिस्कस करूंगा, वो जो आपने मूवीज में सुने भी ना हो। बेशक वॉरियर्स 3 इस लिस्ट में 10 पोजीशन पर हो, पर इन तीनों को इस पोजीशन पर देखकर आप समझ ही सकते हो कि एस्गार्ड में कितने पावरफुल लोग रहते हैं। वोल्स्टेक द एनॉर्मस, होगन द ग्रिम और फेंडल द डैशिंग एस्गार्ड के बेस्ट वॉरियर्स और थॉर के खास दोस्त हैं। ये तीनों ही ऑलमोस्ट फुली वेपन बहुत आराम से चला सकते हैं, पर फिर भी ये तीनों अपनी अपनी पसंद के हथियार से अच्छे अच्छों को संभाल सकते हैं। नंबर 9, फ्रीगा। एस्गार्ड की ऑल मदर फ्रीया, जिन्हें फ्रीगा भी कहा जाता है, सबसे समझदार एस्गार्डियन थी और एक बहुत ही पावरफुल मेज भी। जब थॉर और लोकी छोटे थे तब लोकी थॉर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके उसके लिए फ्रीगा ने लोकी को मैजिक सिखाया। इन सबके साथ साथ फ्रीगा विचेस और सॉर्चरर्स के बीच बनी बड़ी है, इसीलिए वो टाइम ट्रैवलर्स और बहरूपियों को आराम से पहचान सकती थी। नंबर 8, वैल्की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, वैल्की कोई नाम नहीं है बल्कि एक टाइटल है एस्गार्ड की सबसे इलाइट वॉरियर्स का, जिसका मतलब फिलहाल आखिरी बची वैल्की ब्रंडहिल्ड अभी की सबसे इलाइट वॉरियर है। इन सब के ऊपर वैल्की के पास डेथ को चेंज करने की पावर भी होती है, और इसीलिए ओडिन ने वैल्की को हेला को एस्गार्ड से दूर रखने को भेजा था। इन सब के साथ साथ ब्रंडहिल्ड के पास जो सोर्ड है उसका नाम है ड्रैगन फैंग, जो कि मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकता है और इसलिए मिस्टिकल बैरियर या कहे जादू के पार जा सकता है। नंबर 7, लीडीसिप। लीडीसिप मार्वल कॉमिक्स की सबसे पावरफुल फीमेल वॉरियर है, जो कि एस्गार्ड की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। लीडीसिप हैंड टू हैंड कॉम्बैट और हैंड हेल्ड वेपन चलाने में बहुत एक्सपर्ट है। प्लस हमें मूवीज में दिखाया नहीं गया, पर उसके पास अपने भाई की तरह एक मैजिकल सोर्ड है जिससे वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन जा सकती है। नंबर 6, हाइमडाल। लीडीसिप का भाई और एस्गार्ड की आंख, हाइमडाल एस्गार्ड को किसी भी डेंजर से बचा सकता है, और इसीलिए वो अपनी मर्जी से बाइसॉस पर खड़ा रहकर गैलेक्सी की कोई भी गहराई देख सकता है और एक पेड़ बहते पानी को भी सुन सकता है। इन सब के अलावा हाइमडाल की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ कई हद तक ओडिन और थॉर के लेवल को भी छूती है। प्लस हाइमडाल की तलवार और बाइसॉस की काफी वो पॉइंट एस्गार्ड के सबसे पावरफुल हथियारों में से एक है, जिसे एटन ने बनाया है। नंबर 5, लोकी। जोटनहाइम का राजा और गॉड ऑफ मिस्टिक लोकी पैदाइशी टॉर्च जाइंट है, और यही लोकी की दिक्कत भी थी। उसे ऐसा लगता था कि क्योंकि वो अडॉप्टेड है इसीलिए शायद ओडिन उसे एस्गार्ड का राजा नहीं बनाएंगे। हालांकि एमसीयू की करंट टाइमलाइन का लोकी अभी नहीं रहा, जो कि एक अच्छा एस्गार्डियन बन चुका था। इसका मतलब एंडगेम में टेस्टरैक्ट लेके भागने वाला लोकी अब या तो मेन एमसीयू टाइमलाइन में तबाही मचाएगा या फिर अल्टरनेट टाइमलाइन में, वो भी स्पेस टाइम को बेंड करते हुए। तो आप सोच सकते हैं कि वो गॉड जो कि किसी को भी बेवकूफ बना सकता है, उसके पास ऐसी पावर हो तो उसे कौन जीत पाएगा। नंबर 4, बोर्ड बुरिसन। बोर्ड बुरिसन ओडिन के पिता हैं और एस्गार्ड के पहले राजा हैं। कॉमिक्स में वो बोरी थे जिन्होंने एस्गार्ड को डिजाइन किया और उसको बाकी एस्गार्डियंस के साथ मिलकर बनाया। हालांकि एमसीयू में ये काम किया ओडिन और हेला ने। बोर ने एल्व्स के साथ हुई लड़ाई में मेलिकिथ और उसकी आर्मी को हराया और एथर को मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर गाड़ दिया। ओडिन का पावरफुल हथियार गंगनेल ओरिजिनली बोर का हथियार था, पर एस्गार्डियंस में ऐसा देखा गया है कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि एस्गार्डियंस एज के साथ और स्ट्रांग होते जाते हैं। प्लस जब एस्गार्डियन गॉड मरते हैं तो उनका फोर्स उनके बच्चों में बढ़ जाता है, इसीलिए ओडिन अपने फुली रियलाइज गॉड मोड में बोर से ज्यादा पावरफुल है और हेला और थॉर ओडिन से ज्यादा पावरफुल है। नंबर 3, ओडिन बोरसन। एस्गार्ड के ऑल फादर ओडिन ने अपनी जवानी में 9 रियांस को जीतने के लिए खूब तबाही मचाई, पर एक बार जब उन्होंने छोड़ दिए वो काम जिनके बुरे थे अंजाम, तब वो निकल गए 9 रियांस को शांति लाने के लिए। ओडिन अपने ओडिन फोर्स के साथ ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि पहले एवेंजर्स मूवी थॉर अर्थ पर आया था, ये पॉसिबल हो पाया ओडिन फोर्स की मदद से, क्योंकि उस टाइम बाइसॉस काम नहीं कर रहा था। ओडिन जिस लड़ाई में बस आ जाए वो लड़ाई वहीं खत्म हो जाती थी। इन सब के ऊपर पहली बार टेस्टरैक्ट को अर्थ पर ओडिन ने लेकर आए थे। नंबर 2, थॉर ओडिनसन। एस्गार्ड का प्रिंस और तूफान का नेता देवता थॉर ओडिनसन कॉमिक्स में अच्छे अच्छों को बिना किसी हथियार के निपटा चुका है, पर अपने हैमर म्यूनिर के साथ थॉर को रोकना आसान नहीं है। हालांकि जैसे कि ओडिन ने बताया, म्यूनिर थॉर की पावर को कंट्रोल में रखने या फोकस करने के लिए ही थॉर को दिया गया था, जिसका मतलब थॉर अपनी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है और ऑब्वियसली ओडिन से भी ज्यादा। हालांकि थॉर के नए वेपन स्टॉर्म ब्रेकर के साथ ये पावर और एम्प्लीफाई हो गई, प्लस बाइसॉस समन करने के साथ थॉर अपने लोगों के बीच और भी ज्यादा पावरफुल है। इन सब के ऊपर एक बार वो शेप में आ जाए फिर उसके आगे किसी का भी टिकना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नंबर 1, हेला। एमसीयू में हेला ओडिन की सबसे बड़ी बेटी है,
जो कि बहुत हद तक कोरियन को टक्कर देने की पावर रखती थी। पहला एक पद पर मोनेल और अपने नेटवर्क शॉट को एक साथ यूज करती थी, पर जब वो ओडिन के खिलाफ गई तब ओडिन ने उसे हराया और हेल में कैच करके रखा। पर ओडिन के जाते ही हेला हेल के बाहर आई, उसने आधे ही मोनेल तोड़ा, एस्गार्डियन आर्मी को अकेले निपटा दिया और फुली रियलाइज्ड थॉर भी हेला को नहीं संभाल पाया। हालांकि तब हेला के सामने आया एटर्नल फ्लेम से पावर हासिल करे हुए सर्टर, जिसने एस्गार्ड को तबाह करने के साथ साथ हेला को